फाइनली गाइस आज हमारे पराठे आ चुके हैं। वेट करने के बाद लीजिए हमारे पराठे आ चुके हैं जी राहुल भाई। ये आलू प्याज के पराठे भाई बिल्कुल सर्व करना, बहुत अच्छी बात है, सर्व करते रहिए आप। थैंक यू भाई। और हमें चाय और लाना भाई, आपकी कोल्ड ड्रिंक आप ले सकते हैं, कोल्ड ड्रिंक अपनी कोल्ड ड्रिंक ले लेंगे। वैसे मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, कुछ फैक्ट्स हैं यहाँ के बारे में। ये जो अमृत सुखदेव है ना, ये मेरे हिसाब से 1956 में ओपन हुआ था और उस टाइम पे बस ये सिर्फ छोटा सा ढाबा टाइप था जो कि खोला गया था। यहाँ से जो करनाल हाईवे जो है, ये उनके जो ट्रक ड्राइवर्स होते थे उनकी सहूलियत के लिए, उनको कुछ खाने के लिए मिल जाए या नहाने की सुविधा, बिल्कुल बिल्कुल ट्रांसपोर्ट उसकी उनकी सुविधा के लिए खोला गया था। और अब आप इसको देख सकते हो कितने अच्छे से इवॉल्व हो चुका है। जो इसके ओनर थे अमरीक और सुखदेव दोनों भाई थे, वो शायद मेरे हिसाब से हाँ भाई थे वो, तो उन्होंने इसको इतने अच्छे से इवॉल्व करा है, इतने अच्छे से इस चीज़ को लेकर आए हैं। तो अब जो इसका आप देख सकते हैं, ये ढाबा नहीं, एक होटल की तरह इसको एक मेंटेन, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ पर आए उन्हें वही था, तो काफ़ी सारे होटल्स रहे हैं यहाँ पे आगे भी, बिल्कुल। पर ये अकेला ऐसा ढाबा है कि जो अपने आपको अपडेशन कर चुका है, एक अच्छे लेवल पे तब्दील कर चुका है इस टाइम ना, तो बहुत अच्छा है, काफ़ी अच्छा रहता है, क्राउड अच्छा आता है यहाँ पे, थोड़ा मतलब फैमिली के साथ आप आ सकते हैं ऐसा है कि। चाय भी आ चुकी है हमारी, नहीं है सॉरी, हमारी कोल्ड ड्रिंक है, हमारी कोल्ड ड्रिंक दो गई। चाय का ग्लास बहुत बड़ा है और मजा आएगा इस चाय को पीने पराठे के साथ। ग्लास देखिए, एक बार पराठा देखिए, स्टील के ग्लास में पी भाई, मजा आएगा। देखिए घी है ये, देखिए इधर लोनी है ना, हमारे में बड़ा खेल इस लोनी का है। गांव में जो बोलते हैं लोनी घी होता है, गाय के उस दूध से बनता है, वो निकाला जाता है, एक्चुअली एक प्रोसेस होता है, पहले मशीन उससे निकाला करते थे, बिलोना बोलते हैं हमारे यहाँ उसको ना, घी बिलोले, दूध जो बिलोते थे, दूध बिलो के तो कोई हाथ आता था लोनी घी। तो ये यहाँ पे सभी ढाबों पे नहीं मिलता है, यहाँ पे ये यहाँ पे खाने के लिए मिलता है। अगर आप टेस्ट के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करते तो फिर आप अमरीका आइए सीधे ना। टाइम टेकिंग है थोड़ा सा बट बहुत अच्छी क्वालिटी, काफी अच्छा टेस्ट है भाई। लेकिन हमारे जब हमने ऑर्डर किया था, हमें हमारे हिसाब से ऑर्डर करने के हिसाब से ये सही समय पे आया हमारे लिए। यूजुअली मैं ज्यादा टाइम भी नहीं, यहाँ का स्टाफ बहुत अच्छा है, बड़ा बड़ा है। अगर आप ट्रैवलिंग करके आते हैं 60-70-80, हम तो 90 किलोमीटर की ट्रैवलिंग करके आए हैं, बट अभी लगता है कि वर्थ है इस चीज की ना। और मैं यूजुअली खाता नहीं ज्यादा ऑयली चीजें ना, बट यार इन चीजों पर आके थोड़ी जीभ डगमगा जाती है, ठीक है कौन छोड़े यार, कभी कभी मन की भी सुननी चाहिए मेरे हिसाब से। तन की तो रोज सुनते ही है राहुल भाई ने, तो वैसे मेरे हिसाब से कम से कम आधा खत्म कर लिया है। हाँ राहुल भाई की स्पीड बहुत अच्छी है भाई, तीन टुकड़ों में पराठा खत्म है, तीन टुकड़े करेंगे राहुल भाई पराठा खत्म। पर तीन टुकड़े मतलब चैलेंज दे रहे हो या इनके बारे में बता रहे हो? नहीं बता रहे, इंट्रोडक्शन है इनका। अच्छा भाई प्लेट खाली कर दी, उससे ज्यादा क्या देखोगे, भूख लग रही थी भाई, ऐसा कर दिया, चाट दी बिल्कुल। सुबह 4 बजे सुबह निकले हम, 11 बजे के आधा पराठा मुस्तल लिया, आधा अखिल का, आधा भाई का। भाई मैंने तो आधा लिया, इतने में आधा खत्म कर पाया, राम भाई ने आधा खत्म करा चला और मेरा भी ले लिया। भाई मैं गलत था कि भाई ने 3 बाइक में पराठा खत्म करा, भाई ने 2 में कर दिया है ना उपज। ऐसा ये बात बतानी थी या नहीं? ये नहीं बतानी, हम कट कर देंगे, कट कर भाई, अब चाउमीन खानी है। भाई मैं बोलूं है? भाई कर क्या रहे हो टिश्यू पेपर से? भाई हम टिश्यू पेपर का यूज कर रहे हैं, मिस यूज नहीं करते। क्या कर रहे हो मतलब? अभी देखना ना आप इसका क्या यूज आएगा, इसका मिस यूज नहीं करना चाहिए। तो बहुत हो गए मेरे हिसाब से इतना तो। अभी क्या कर रहे हो भाई? भाई घर ले जा रहे हैं गोलियां, पैसे ना दे रहे क्या भाई? पैसे तुमने पराठे के दिए, इसके नहीं दिए भाई, ऐसा कॉम्प्लीमेंट्री होता है ये। शाबाश बेटा, बहुत बड़ी। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? ऐसे कोई नहीं है, कोड लिया ये तो गलत बात है यार, हैं जेब बना है यार कोड भाई, भाई ये गलत बात है। नहीं नहीं कोड लिया भाई, अगर आपको गलत लग रहा हो ना तो अभी ले इसे हाथ मत लगाना, नाइक ठीक है भाई, और भाई इसे भी कट, इसे भी कट कर देना, हाथ नहीं लगाऊंगा भाई, इसे भी कट कर देना।
घर से शुरू होने के बाद हमारा अमृत सुखदेव का सफर आज का यहीं पे खत्म होता है। पराठों के साथ जो आज हमने दिन बिताया है ना, पराठे चाय सच में बहुत ही लाजवाब टेस्ट था। मतलब मैं कहता हूँ काफी ज्यादा पराठे ने खाने के बाद जो मतलब स्वाद और साथ में जो लोनी और पिकल्स बहुत ही ज्यादा मसाला चाय मैंने और अकेले तो मसाला चाय नहीं ली। राहुल भाई के व्यूज जानना चाहते हैं कि पराठे का मैं पता है चाय का क्या रहा। चाय इतनी जबरदस्ती है, चाय में मजा आ गया पराठे का कॉम्बिनेशन मस्त था दोनों का। और इसके साथ जो पिकल्स में सिरका प्याज वगैरह मिर्ची और उसके अचार देना मजा आ गया भाई खा के। वाकई में अगर आप लोग फैमिली के साथ आना चाहते हो स्पोर्ट्स को बहुत ही अच्छी जगह है, कहीं स्पोर्ट ढूंढ रहे हो तो ये आप सेफ्टी का कोई इशू नहीं है। आप गर्लफ्रेंड के साथ आए, फैमिली के साथ आए, किसी के भी साथ आए, सेफ्टी का कोई इशू नहीं है। मूर्था लाइए, अमृत सुखदेव के पराठे खाइए। हाँ, अगर आप मूर्था ला रहे हैं तो फिर अमृत सुखदेव तो आराम बनता है, बिल्कुल मस्त है बिल्कुल भाई। हाँ, आज का व्लॉग हम यहाँ पे एंड करते हैं और आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, काफी मजा आया होगा। अगर और आपको ये वीडियो पसंद आई तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू। तो यहाँ से बाय बाय, अलविदा, टाटा, सी यू।